तो गाइस लग रहा है कि नहीं, एक नंबर डीएस क्रिएशन का फ्रंट एंड लोडर ट्रैक्टर में लगा हुआ देख सकते हैं। गाइस मैंने बोला तो था ट्रैक्टर वाली वीडियो के बाद मैं ट्रॉली बनाना सिखाऊंगा, पर मैंने सोचा पहले है ना ये फ्रंट एंड लोडर लगा लेते हैं ट्रैक्टर में, फिर उसके बाद इसके इसमें से सामान उठा के ट्रॉली बना लेंगे, ट्रॉली बाद में बना लेंगे। अगर देखिए अब आपको मैं ना मेरी मोबाइल की लाइट बंद करके दिखा दूँ तो हम इसे बनाते हैं। पहले आपको इस टाइप के दो स्केल लेने पड़ेंगे, ठीक, फिर आपको क्या करना है, अगरबत्ती और स्केल की मदद से, अगरबत्ती और माचिस की मदद से इसमें छेद करना है। ये अगरबत्ती उसमें से आर पार हो जाए, ठीक है गाइस। दूसरी साइड पर भी यही करना है, देख सकते हैं आप, ये आर पार हो जाए, ऐसा छेद करना है आपको दोनों ही स्केल में। तो गाइस हमने आप देख सकते हैं ये दोनों ही स्केल में ये दोनों साइड छेद कर लिया है, ये दूसरा स्केल, ठीक गाइस। तो आपको क्या करना है, अब एक स्केल लेना है, एक और इस टाइप का स्केल लेना है, उसे ऐसे दो हिस्सों में बांट लीजिए और उसके नीचे वाली साइड पे मतलब पुस्टर लगा लीजिए दोनों पे, और ऊपर की साइड पे एकदम सेंटर में छेद करिए दोनों में। और फिर उसके बाद का हम आपको बताते हैं, दो मिनट रुकिए। फिर गाइस आपको इस टाइप की गोल्डेक्स की पाइप लेना है और इसे तीन हिस्सों में काट लेना है। ठीक गाइस हमने काट, अब हम इसे असेंबल करते हैं। हमें इस टाइप का एक छोटे वाला स्केल लेना है, उसके अंदर ये गोल्डेक्स की पाइप लगाना है आगे वाली साइड से। और उसके पीछे फिर ये बड़ा वाला स्केल लगाना है। तो गाइस देखिए हम इस टाइप से आपको असेंबल करना है, मैंने तो कर लिया, अब दूसरे वाले की बारी, दूसरे वाले को कैसे असेंबल करते हैं। तो गाइस आप देखिए हमने दोनों को ऐसा कर लिया, अब उसके बाद हम इसका आगे का फ्रंट एंड लोडर बनाएंगे। सेंटीमीटर चौड़ा लेना है एक कार्डबोर्ड और इसको राउंड कर लेना, राउंड शेप में, जैसे कि मैंने एक साइड से तो मोड़ लिया, थोड़ा और मोड़ के उसको सर्कल करना है पीछे की साइड से, आगे की साइड से नहीं, ठीक है गाइस। मैं आपको थोड़ा टाइम दे, मैं अभी करता हूँ उसको। गाइस आप देख सकते हैं मैंने कर लिया है इसको ऐसे, और फिर इसके साइड में हमको सर्कल कटे हुए पीस चाहिए जिनकी हाइट होगी 4.5 सेंटीमीटर। तो जैसे यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई ली थी 8.5 सेंटीमीटर, और इसे में इधर साइड हम लगाएंगे वो सर्कल कटे हुए 4.5 सेंटीमीटर, ठीक गाइस। चिपका रहा हूँ उसे, ये ऊपर की साइड से थोड़ा छोटा पड़ेगा, तो आप इसके ऊपर जैसे कि मैं आप देख सकते हैं मैंने ये चिपका लिया है, और ये यहाँ का आप एक कार्डबोर्ड और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। मेरा कार्डबोर्ड यहीं पे ख़त्म हो गया था, पर मैंने यहाँ एक्स्ट्रा एक और कार्डबोर्ड सीट इसके नाप की काट के लगा दी, तो ये कुछ दिखेगा इस ऐसे नाप उसका। और आपको क्या एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसको बनाते टाइम इसके जो अंदर साइड वो आपको दिख रहा है होल, वो ज़रूर बनाएं, और उसके अंदर लगाने के लिए, होल के अंदर लगाने के लिए एक क्लिप बनाएं। आप एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा वापस से लीजिए और उससे कुछ इस तरीके से बना लीजिए, इधर साइड से आप इसको फोल्ड कर लीजिए, और वाप इधर साइड से जहाँ से खुला रहेगा उस साइड पे आप है ना इसको टेप की सहायता से ये पाइप लगा दीजिए उसके अंदर, देख सकते हैं आप दिख रही है, और इधर साइड से फोल्ड है जिस साइड से खुला था मैंने इधर पाइप लगाई, और ये जो क्लिप है ये क्लिप को इसके अंदर पीछे की साइड से लगा दीजिए, ये देख सकते हैं लग गई है क्लिप।
और ये जो क्लिप है, फिर ये आप जो हमने ये बनाए थे इसमें लगा लीजिए। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने इसको असेंबल कर लिया है और ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। हम इसे आपको दूसरी साइड से दिखाते हैं घुमा के, तो देखिए गाइस हम आपको पार्ट टू में फ्रंट एंड लोडर का पार्ट टू में इसके ऊपर कलर करना और इसके जो ये आगे का साइड है यहाँ पे वो जो नुकीले नुकीले आते हैं ना वी शेप के, वो लगाना आपको सिखाएंगे और इसको ट्रैक्टर में लगाना सिखाएंगे। ठीक है गाइस, वो आपको पीछे दिख ही रहा होगा हमारा ट्रैक्टर। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल DS क्रिएशन 26। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप देख सकते हैं मैंने टेप की मदद से इसको चिपका लिया है, कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इस पर कलर पोतेंगे। ठीक है, मेरे पास ये है पोस्टर कलर की 10 ml की डब्बी अप्सरा की, मैं येलो कलर कर रहा हूँ उसके बड़े वाले हैंडल यानी कि बड़े वाले स्केल पे। मैं आपको करके बता रहा हूँ कुछ ही देर। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने कलर करने की कोशिश की पर कलर नहीं हो रहा है इस पर, तो हम इस टाइप के